अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से 41 बाहर आए हैं। हमारे इमरान साहब को जो है सो भोपाल से पुलिस आई थी, जिसमें 506, 507, 354 जो कि अवेलेबल ऑफेंस है थोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च की डेट फिक्स की गई है। 21 मार्च को जाकर वहां से चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट फाइल करें तो हम जैसे अपियर रहेंगे, समन आएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से इमरान साहब आपके बीच में हिफाजत से है, अल्लाह उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ है, सबकी दुआएं उनके साथ है। और आप लोगों से अपील है कि और दुआ कीजिए कि आने वाले हालात में इनकी आवाज उठाए और जुल्म के खिलाफ ये खड़े रहे। आप नोटिस ले लिए हैं, अब वो लोग चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट फाइल करेंगे तो जो है सो अकॉर्डिंगली जो विल प्रोसीड एज पर लॉ। अपने जो है काला पत्थर PS SHO आपको बोले थे कॉल रिकॉर्डिंग पे के जो है वो लोग पुलिस चले गए, उनको भी मालूम नहीं था। नहीं, उनको भी नहीं मालूम था, वो लोग वहाँ से निकल गए थे। एक SHO को नहीं मालूम सर? नहीं नहीं मालूम था, बोल रहे सुदर्शन साहब। ये अलग है, वो अलग है ना, उनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है जी। ये है देखिए, अभी इनको अपियर होना पड़ेगा भोपाल। हाँ, जाएंगे भोपाल, जाएंगे हम, चलेंगे उनके साथ जाके भोपाल में। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, हमारे राशिद भाई जो है सो बहुत हेल्प करे साथ, भाई को और कलीम बाबा भी जो है साथ थे, सब मिलके करे भाई, पूरे मिलके करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सब अल्लाह चाह रहा था, अल्लाह ताला काम करा लिया। अभी इनके एडवोकेट कौन है सर थोड़ा? अब फिलहाल यहाँ पे तो मैं इनकी पैरवी कर रहा हूँ, भोपाल में वहाँ के लोकल एडवोकेट को रखेंगे। सर अप्रोच कब आएंगे? 21 मार्च के दिन जाएंगे। 21 को फिर कस्टडी लेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम जो है सो नेली SSR करेंगे, वहाँ भी जाऊंगा इंशाल्लाह। 21 मार्च ठीक है। और फोन जो है सीज कर लिया उनका, क्यों बताओ, वो तो एविडेंस होना पड़ता, हम वो फोन जो टाइम पर नहीं करना पड़ते। काफी पुलिस को ऑपरेट करी भोपाल की, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो मिनट आपके सामने इमरान साहब का कॉल पे क्या बात हिजाब के मसले पर हुई थी मेरी, पर्सनल सवाल नहीं है वो, मैं सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट के वो है तो वही बोला था मैं, कोई अपनी खुदी से नहीं बोला मैं। जो दुनिया में उनको जो नजर है, जो देखी उनको जो करे हो, वही बोला मैं, शायद मेरा वर्ड वो बोल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने बोल सकते हर चीज बोल सकते। मैं एक तो मेरी फंडामेंटल राइट से सवाल करना, मैं उस ताल्लुक से करा, अब उसमें मेरा वो सवाल करने अंदाज जो था वो गलत लग गया हो, लेकिन मैं मेरे पर्सनली नहीं बोला उनको, वो जो पूरी दुनिया देखी वो क्या है। आप जो है किसी पार्टी से नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है जी, फिर आपका क्या मंशा है बार बार जो है हर पॉलिटिकल पार्टी इसको जो है टारगेट बना रहे हैं, आपका क्या वो है, आपका जहन क्या काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहन यही काम कर रहा, अब मैं जो हालात देख रहा हूँ, चाहे वो डेवलपमेंट पे हो, चाहे वो इस्लाम को कोई टारगेट कर रहा है, तो अब वो हमको भी देखा नहीं जा रहा है। अब लीडर्स तो हमारे ऐसे है हैदराबाद के जो इख्तदार पे है, आप ऐसे सवाल करके क्या तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं हमारे? मैं इंशाल्लाह तब्दीली यही आएंगी कि हर गली से मोहम्मद इमरान निकलेगा। वाह वाह वाह, हर गली से मोहम्मद इमरान निकलेगा, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये एक बीजेपी का मैटर है, लेकिन बीजेपी का मैटर है तो कोई बीजेपी का वर्कर नहीं आया, लेकिन MIM के वर्कर्स आए मेरे घर के पास, तो समझ जा सकते हैं इसमें मुसलमान को अक्ल अल्लाह ताला दिए, तो समझ जा सकते हैं ये बीजेपी की बीटी में, इसे ही अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, वो सब झूठ है, आप लोग अच्छी इन्वेस्टिगेशन करिए। चलिए खत्म कर।